आरपीएफ की एक क्राइम कॉन्फ्रेंस का आयोजन मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय सभागार में किया गया। इस क्राइम कॉन्फ्रेंस में आरपीएफ कमांडेंट सनगुमा बेडीवेल एस ने आरपीएफ की सभी पोस्टों के इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही अपराधों की भी समीक्षा की गई। क्राइम कॉन्फ्रेंस के विषय में विस्तार से जानकारी देते हुए आरपीएफ कमांडेंट ने बताया कि हम आरपीएफ में एक ट्रेडिशनल होता है, वहीं क्राइम कॉन्फ्रेंस मंथली होती है, तो इसमें ये समीक्षा की जाती है कि हमारे क्राइम का पैटर्न क्या है, कैसा चल रहा है, कितने केस रजिस्टर्ड किए गए हैं, कितने केस सॉल्व हुए हैं, क्राइम पोजीशन क्या है, ये सब हम लोग चेक करते हैं। क्या कमी आ रही है, क्या सुधार की आवश्यकता है, ये सब इस क्राइम कॉन्फ्रेंस में देखा जाता है। इसमें हमारे सभी 16 पोस्ट के इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और उच्च अधिकारी सभी इस क्राइम कॉन्फ्रेंस में आए हुए हैं। जी, हमारा आरपीएफ में एक ट्रेडिशन होता है क्राइम कॉन्फ्रेंस, ये मंथली होता है जनरली। इसमें हमारा क्राइम का पैटर्न क्या है, कैसे चल रहा है, कितना केसेस का हम लोग पकड़ रहे हैं, मतलब हर अलग अलग हेड में, जैसे आरपीओपी केसेस होता है हमारा, रेलवे प्रॉपर्टी का चोरी होती है, कितना केसेस रजिस्टर हुआ है, कितना डिटेक्ट हुआ है, इसे मतलब रेलवे एक्ट का भी। और हमारा पास जितना भी इशूज है, अलार्म चेन पुलिंग, लेवल क्रॉसिंग गेट इंसिडेंट्स और चोरी हो रहे हैं, पैसेंजर का जमा चोरी, ये जितना भी का क्राइम पोजीशन उसका चेक करते हम लोग, कहाँ कमी चल रहा है, कहाँ हम लोग का परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए मौका है, वो सब कुछ हम लोग डिस्कस करते हैं। और उसके अलावा एस्टेब्लिशमेंट में जो जो इशू है, मैन पावर रिलेटेड डिप्लॉयमेंट इशूज है, वो भी डिस्कस करते हैं। अब ये साल भी ख़त्म हो गया, सो इसी मौका का हम लोगों ने यूज़ किया है, पिछले साल का क्या परफॉर्मेंस है और कहाँ आप हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, तो ये सारे डिस्कस हुआ है। और इस मीटिंग में हमारा जितना भी ओपन लाइन पोस्ट है, 16 पोस्ट है, उन लोग का इधर इंस्पेक्टर आया हुआ है और उनका सबसे उच्चम अधिकारी, सब इंस्पेक्टर वगैरह वो लोग आया हुआ है, अटेंड करके मतलब ये मीटिंग अच्छे से हुआ है।